नहीं रहेगी क्योंकि ये सेल डुप्लीकेट होते हैं। अब तो आखिर इसमें क्या है और ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, आज हम इसे देखेंगे। दोस्तों आप ये जो लिथियम सेल देख रहे हैं ये 3.7 वोल्ट का है और ये कुछ दिन पहले मैंने परचेस किया था और ये LG कंपनी का है। लेकिन परचेस जब मैंने किया था तभी फुल चार्ज था, उसके बाद जब ये डाउन हुआ उसके बाद मैंने इसे चार्ज किया तो ये बिल्कुल चार्ज नहीं हो पा रहा था। अभी यदि इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे तो मल्टीमीटर से आपको इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। यहाँ पर मल्टीमीटर को DC 20 पर सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, चलिए इसके कनेक्टर को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ जिससे दिक्कत ना हो हमें। तो यहाँ पे इसके दो वायर देखने के लिए मिल रहे हैं। यदि हम इसकी वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.80 वोल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। जब हमने इसे रेगुलर भी चार्ज किया फिर भी ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो आखिर इसमें क्या है और ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट, आज हम इसे देखेंगे। तो इसकी जो पैकिंग है यहाँ पे LG की, इसे हम उखाड़ के चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्वीज़र ले लेते हैं और इसकी जो पैकिंग है इसे हमें यहाँ से उखाड़ के देखना है कि भाई हमारा सेल ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट। यहाँ पे इन्होंने LG का लोगो लगा के रखा है, इसका ये मॉडल नंबर बना दिया VIM0711US, इसका और 2200mAh इसमें लिखा हुआ है प्रिंट, यहाँ पर देख सकते हैं। और कुछ गारंटी वारंटी वगैरह रिप्लेसमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है और 2023 नवे महीना का था। तो सेल चलता है लगभग 4-5 साल तो नॉर्मली सेल चल ही जाते हैं, लेकिन ये इतने जल्दी ख़राब हो गया, लगभग 6-7 महीने में ही ये ख़राब हो चुका है। पर हमने तो अभी परचेस किया था कुछ दिन पहले, तो सेल की आप सच्चाई देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मार्केट में इस तरीके से सेल आते हैं, आप देखें लोगो तो आपको LG का लगा मिल जाएगा लेकिन सेल में क्वालिटी नहीं रहेगी क्योंकि ये सेल डुप्लीकेट होते हैं। अब आज मैं इसको आपको इसकी सच्चाई बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने ही बिल्कुल खुलासा होगा, तो आप देखते रहिए इसकी काली सच्चाई सेल की कि भाई किस तरीके से कंपनी मैन्युफैक्चर इसको कर रही है और LG का छापा लगा के हमें सेल चिपकाया जा रहा है। और सेल लगभग 50 से 60 रुपये का ही मार्केट में मिलता है, एक सेल की कीमत 50 से 60 रुपये होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये सेल होता है और इसमें पन्नी चढ़ा के और इसे पैक कर दिया जाता है और इस तरीके से सेल को, ये रिफर्बिश सेल है भाई, पैकअप हमें मिल ही नहीं पाएगा ना जब हम सेल ही डुप्लीकेट ले रहे हैं। और पुराना सेल का पता क्या मालूम हमें कितने दिन पुराना सेल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर यदि देखें तो ये 2000mAh की बैटरी है जो सेल है हमारा, ये 2000mAh का है, 3.7 वोल्ट 4.2 वोल्ट ये आउटपुट करता है। तो भाई इस तरीके से मार्केट में सेल मिलते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है गंदा काम चल रहा है, तो इससे आप बचें। यदि आप सेल लेना चाहते हैं तो एक सेल की कीमत लगभग 50-60 रुपये ही होती है, लेकिन आप सेल लेने से पहले उसकी जो है क्वालिटी देख सकते हैं, जो पर्चा लगा है इसको अच्छे से जांच लीजिए क्या ये अंदर से चिपकाया तो नहीं हुआ, इस तरीके से चिपकाया हुआ है। यदि ओरिजिनल सेल आपको मिलेगा तो बिल्कुल क्लीन मिलेगा, बिल्कुल क्लियर देखने के लिए मिलेगा, वो ओरिजिनल सेल होते हैं। इसमें क्या है इसकी जो आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के लिए, और इस तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं।